Hare Krishna. Shlok Sankhya 22. मैं शब्दात बोलूंगा आप पीछे पीछे धराइएगा. यत जो तू लेकिन कृत्नवत पूर्ण रूप से एकस्मिन एक कार्य कार्य में सक्तम आसक्त अहेतुकम बिना हेतु के अतत्व अर्थवत वास्तविकता के ज्ञान से रहित अल्पम अति तुच्छ च तथा तत् वह तामसम तमोगुणी उदाहृतम कहा जाता है. मैं श्लोक का उच्चारण करूंगा आप मेरे पीछे दोहराइएगा. यत्तु कृत्स्नवत एकस्मिन् कार्य सक्तम अहेतुकम् अतत्वार्थवद् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्. यत्तु कृत्स्नवत एकस्मिन् कार्य सक्तम अहेतुकम् अतत्वार्थवद् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्. अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद. और यह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है. हम पीछे देख रहे हैं कि भगवान जो है ज्ञान कर्म और कर्ता तीनों के बारे में बता रहे हैं और तीनों के बारे में बता रहे हैं कि तीन तीन तरह के होते हैं. तीन तरह का ज्ञान, तीन तरह के कर्ता, तीन तरह के कर्म और तीन तरह के भगवान ने जो डिवीजन करे हैं वो रजो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में. पीछे दो श्लोकों में भगवान ने सत्वगुण रजोगुण के बारे में बताया, इस श्लोक में तमोगुण में के बारे में बता रहे हैं. और क्या बता रहे हैं मैं दोबारा पढ़ूंगा अनुवाद, ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर है. और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है. तात्पर्य, तात्पर्य को पढ़ने से पहले तात्पर्य के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे, उसका मैं आपको आइडिया देता हूं ताकि आप निकाल पाए. ये जो तामसी नॉलेज है, ये ज्ञान है कि कैसा ज्ञान तामसी है, ये तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद ने 6-7 तरीके से बताया कि इस ज्ञान को तामसी कहेंगे, इस ज्ञान को तामसी कहेंगे, इस ज्ञान को तामसी कहेंगे. तो तात्पर्य पढ़ने के बाद आप सारे सुन रहे हैं, आपको मुझे बताना है कि कैसे कैसे कर्म तामसिक है. ठीक है, तात्पर्य, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण से ही उत्पन्न होता है. जो व्यक्ति प्रमाणों या जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है. उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है. ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता. यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है. ऐसे ज्ञान को यहां पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है. दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है. जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म लें वह राजसी है और शरीर को सुखमय बनाने वाला ज्ञान को तामसी कहा जाता है. तात्पर्य पूर्ण हुआ, तो आप सबने सुना है. तो प्रश्न का उत्तर, कौन सा ज्ञान तामसी है
प्रभुपाद ने पांच तरीकों से बताया है कि ये ज्ञान तामसी है, ये ज्ञान तामसी, ऐसा ज्ञान तामसी है. कौन सा ज्ञान तामसी? यस बोलिए. श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारान की, श्री श्री गौर निताय की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद. जो सारे डिवोटीज दर्शन कर रहे हैं, आप सबसे एक अनुरोध है कि आप सारे सुन पा रहे हैं जो दर्शन कर रहे हैं भगवान के, कृपया भगवान का अच्छे से दर्शन कीजिएगा. आज भगवान के दर्शन पे हम टेस्ट लेंगे कि आपने कितने अच्छे से भगवान का दर्शन किया, और उसके साथ मेरे पास गिफ्ट प्राइजेस भी हैं. हाँ, प्रभु जी ने तीन चार चीजें बताया कि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, जो भगवान के आदेश अनुसार नहीं है, जो शरीर से संबंधित है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं. और प्रभु जी ने बताया, जैसे इसके अंदर प्रभुपाद लिखते हैं, वो ज्ञान जो खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान है, वैसा ज्ञान है. और भी प्रभुपाद चीजें बता रहे हैं. प्रभुपाद ने बताया कि वो ज्ञान जो सिर्फ शरीर तक ही सीमित है, उसके आगे का उसे पता ही नहीं है कि जीवात्मा है, भगवान के ज्ञान ही नहीं है उसे. वो सिर्फ शरीर को जानता, शरीर को अपने आप को मानता है, शरीर से संबंधित चीजें तो अपने आप को मान के वो कार्य कर रहे. ऐसा जो ज्ञान है वो तामसी है. ठीक है, अब थोड़ा नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे. और साथ में मैंने एक और एक्टिविटी सोची थी. आज सुबह भागवतम कक्षा के अंदर इस गेस्ट अतुल कृष्ण ने क्लास लिया, और एक पॉइंट प्रभु जी ने बोला जो मुझे दोबारा रिमाइंड कराया जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा था, और मैंने भी क्लास में वो पॉइंट बोला हुआ है कि भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए. ऐसे करने चाहिए कि आपके मन में पूरा छाप पड़ जाए कि भगवान ने क्या पहना है, भगवान ने पैरों में क्या पहना है, भगवान ने किस कलर के कपड़े पहने हैं, कौन से फूल लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं, कहाँ की तरफ चुन्नी जा रही है, पगड़ी पे क्या बनाया है, कैसे बनाया, एकदम छप जाना चाहिए. भगवान ने कौन सी फ्लूट पकड़ी है, उसका डिजाइन कैसा है. और आज प्रभु जी ने जैसे ही मुझे रिमाइंड कराया तो मैंने सोचा क्लास में एक्टिविटी तो आज होनी चाहिए. तो जिसने दर्शन नहीं करे, और जो दर्शन कर रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि भगवान के अच्छे से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज हम उस पर चर्चा करेंगे. और बताना आपको है दर्शन करके कि भगवान ने क्या पहना है, कैसे पहना है. जिसके पास मोबाइल में डेली दर्शन आते हैं तो वो भी खोल सकते हैं. यहाँ पे चीटिंग पूरा अलाउड है, ओपन बुक टेस्ट है. कृष्णा कॉन्शियस में हमेशा ओपन बुक टेस्ट है. सबको पता है एग्जाम आएगा डेथ का, उसका क्वेश्चन भी पता है कि अंत समय में आप किसको याद करते हो, उसका आंसर भी पता है. तो ओपन बुक टेस्ट रहता है, बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है, याद करना है, चीजें करनी है. तो आपके सामने भगवान है, आप उनका अच्छे से दर्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करते हैं. आप में से कितने लोगों ने नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना है? नित्यानंद प्रभु, निताय, अज निताई, निताई. तो शास्त्र बताते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उसी तरह बलराम जी ने आए नित्यानंद प्रभु के रूप में. और हम देखते हैं जो बलराम जी हैं वो आदि गुरु हैं. बलराम जी को आदि गुरु कहा जाता है. जो भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं कि जिससे के प्रति हम भगवान की सेवा कर सकें, वो बलराम जी से मिलती है, नित्यानंद प्रभु से मिलती है. यहां तक कि भगवान की सेवा में जो भी सारी चीजें लगी हैं वो उनका ही विस्तार है. जैसे कि ये माइक हो गए, टेबल हो गई, मृदंगा हो गए, करताल हो गए, जिस भी चीज को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रही है वो बलराम जी का ही एक्सपेंशन है. और जब नित्यानंद प्रभु आए थे उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी, तो मैंने कुछ लीलाएं लिखी हैं. मैं सोचा इन सारी लीलाओं के बारे में बताऊंगा, पर फिर मुझे लगा कि मेरे बताने से अच्छा है
कि अगर आपको कुछ लीलाएं पता है और आप बताएं और उसके अंदर मैं डिटेल्स ऐड करूं ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मैं भी बोल पाऊंगा। तो ये क्लास का मतलब है टू वे इंटरेक्शन। हम स्कूल में भी जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, चीजें करते हैं, टू वे इंटरेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए बस एक ही व्यक्ति बोल रहा है। तो आप में से कौन नित्यानंद प्रभु की कोई भी पास्ट टाइम बताना चाहेगा, जब वो इस धराधाम पे थे, वो कहां आए, उन्होंने क्या किया, क्या कोई भी, बहुत सारे पास्ट टाइम है, उनका पूरा जीवन चरित्र है। मैं एक चीज से स्टार्ट करता हूं कि आज हमें जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, उनके भक्तों की लीलाएं जितना सुंदर से हमें सुनने को, देखने को, समझने को, पढ़ने को मिलती हैं चैतन्य चरितामृत में से, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हुआ है। कैसे उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से चैतन्य चरितामृत को हमें प्रदान किया है। तो ठीक है, नित्यानंद प्रभु के बारे में कौन बताना चाहेगा? यस माता जी। हाँ हाँ माता जी, बिल्कुल कोई इशू नहीं। ये तो शायद हर प्रभु ले किया होगा। कृष्ण आए थे, वो भी नटखट थे, वो भी बचपन में खेलते थे, कूदते थे और क्या क्या नहीं करते थे, मटकियां फोड़ते थे, माखन चुराते थे, गोपी के वस्त्र चुराते थे, मैया को तंग करते, सब कुछ करते थे वो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने भी किया, वो तो इतना ब्राह्मणों को टीज करते थे, ब्राह्मणों को छेड़ते थे कि ब्राह्मण स्नान कर रहे हैं उनको क्या क्या नहीं करते थे। तो ये तो हर जो भी प्रभु है, जो भी माता है, बचपन में तो ऐसा होता ही है। थोड़ा और डिटेल, बहुत सारी नित्यानंद प्रभु की लीलाएं चैतन्य महाप्रभु के साथ, उनके भक्तों के साथ बहुत बहुत लीलाएं उनकी। यस प्रभु। हाँ मुझे डिटेल में पास्ट बताना चाहेंगे, बहुत डिटेल में बता सकते हैं। थोड़ा तेज बोलना पड़ा था कि सारी ऑडियंस सुन पाए। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रचार, कुछ ने पहला पॉइंट ही स्टार्ट ही प्रचार से किया। तो हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में हम प्रचार कर रहे हैं कि भगवान के नाम का प्रचार करना है, लोगों को जाके कृष्ण का संदेश देना है। ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ने खुद नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को भेजा था कि आप जाओ, गली गली में जाओ, घर घर में जाओ और प्रचार करो, उनसे भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। क्या आप कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करो? मेरे पीछे दोहराइए, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। और नित्यानंद प्रभु गए, हरिदास ठाकुर गए, गली गली में जाते थे, हाथ जोड़ के सबसे विनती करते थे कि आप कृपया करके कृष्ण का नाम लीजिए, कृपया करके कृष्ण का नाम लीजिए। और प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार का कार्य ऐसा ही होता है कि आपको हर जगह सफलता नहीं मिलेगी। और ये भगवान ने खुद दिखाया, जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे तो ऐसा नहीं है कि हर कोई एक्सेप्ट कर लेता था। बहुत सारे कहते थे क्या है, कुछ काम धंधा नहीं है, आ गए हैं बस, कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं, कुछ और तो है नहीं, जाओ भाग जाओ यहां से, उन्हें भगा देते थे। खुद नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं, खुद बलराम जी जा रहे हैं बोलने के लिए, तब भी लोग नहीं सुनते थे। तो ऐसा अगर हमारे साथ होता है, कभी हम प्रचार के लिए जाते हैं तो हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम एक के पास गए मना हो गया, दूसरे के पास गए मना हो गया, तीसरे के पास गए मना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने जब किया था तब भी लोगों ने मना किया था, पर नित्यानंद प्रभु लगे रहे थे। उसके बाद जैसे आता है, तो उसके बाद जैसे आता है कि वो देखते हैं, किसको देखते हैं? दो भाइयों को। भाइयों का नाम है जगाई और मधाई। जगाई मधाई कुछ विशेषताएं हैं, मतलब
विशेषताएं जो जो मैं बताऊंगा वो आपको नॉर्मल लगेंगी, पर उस टाइम के लिए विशेषताएं थी कि बहुत ज्यादा शराब पीते थे। एक तो ब्राह्मण कुल के थे, ब्राह्मण कुल में होने के बाद शराब, मदिरा, मांस खाना, अवैध संबंध करना, लूटपाट करना, सब करते थे। आज के जमाने में तो कॉमन है तो ज्यादा लगता नहीं है, पर उस जमाने में, क्योंकि आजकल तो सारी जगह ही मदाई है, उस जमाने में वो करते थे और लोगों को बहुत परेशान करते थे। और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से बोलते हैं कि अगर हमने इन दोनों भाइयों का उद्धार नहीं करा, चैतन्य महाप्रभु का नाम है पतित पावन, क्यों पतित का जो सबसे गिरे हुए हैं उनका भी उद्धार कर देते हैं, और ये दो भाई इतने गिरे हुए अगर इनका उद्धार नहीं करा तो ठीक नहीं है, चैतन्य महाप्रभु इनका भी उद्धार करेंगे। तो सोचो जिनके पास कोई नहीं जाता, कोई बातचीत नहीं करता, उनके पास दो संत नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जा रहे हैं, और जाते हैं तो जाते हुए क्या देखते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। वो पी के मत मस्त होके लेटे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा उन्हें। वो दोबारा बोलते हैं, कृष्ण का नाम बोलो, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि। अब वो जब वो देखते हैं ये कौन आ गया, क्यों हमें परेशान कर रहा है, क्या हरि हरि चिल्ला रहा है, वो उठते हैं, वो कहते हैं तुम्हें हम बताते हैं, और उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। क्या करते हैं, और मारने के लिए दौड़ते हैं, और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, ये नहीं बोलते मैं बलराम हूं, पूरी पृथ्वी मैंने उठाई है, पूरा ब्रह्मांड मैंने उठाया हुआ है शेषनाग के ऊपर, वही भागते हैं। तो क्या हो रहा है, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भाग रहे हैं, और उनके पीछे कौन भाग रहे हैं, जगाई मदाई। आगे नित्यानंद प्रभु हरिदास, पीछे जगाई मदाई, आगे नित्यानंद प्रभु हरिदास, पीछे घूमते 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 घूमते। लेकिन एक बेनिफिट मिल जाता है नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को, क्या, कि उन दोनों ने पी हुई होती है। अगर किसी ने कोई मत, किसी ने कोई नशे में है तो ज्यादा देर तक वो ज्यादा अच्छे से भाग नहीं सकता, लुढ़केगा चलेगा, तो इस वजह से वो बच जाते हैं, और बच के क्या होते हैं, भाग जाते हैं। और भागने के बाद हरिदास ठाकुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये नित्यानंद प्रभु तो पागल हो गए, तो मरवाएंगे, आज तो वो दो पियक्कड़ के पास चले गए हमें लेके, वो पियक्कड़ हमें मारने के लिए आ रहे थे, इनके साथ में कभी प्रचार के लिए जाऊंगा, ऐसा कोई प्रचार करता किसी भाई घर में चले जाओ, अच्छी जगह चले जाओ, कोई बात मान ले, ये तो दो पियक्कड़ के पास चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु के पास बात जाती है, महाप्रभु कह रहे ठीक है चलो जो है करो। फिर ऐसे ही एक दिन प्रचार कर रहे होते हैं तो फिर दिख जाते हैं, कौन दिख जाते हैं, जगाई मदाई। नित्यानंद प्रभु फिर कहते हैं चलो इनके पास फिर चलते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु पिटवाओगे आप, पिछली बार नहीं देखा था, हमें मुश्किल से जान बचा के भागे थे, फिर पिटवाओगे। वो कहते हैं नहीं चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, पुश करके ले चलते हैं। और इस बार जाते हैं, इस बार क्या बोलते हैं, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। और फिर देखते हैं ये फिर आ गए, ये सुधरने वाले नहीं है, बातों के भूत लातों से नहीं मानते, पिछली बार दौड़े थे पकड़ नहीं पाए थे, अब देखो। तो उसमें से जगाई, कोई जगाई ना, जगाई या मदाई, जगाई, जगाई जो है वहां मटका पड़ा होता है, खाली मटका मिट्टी का, उसको लेके क्या करते हैं, फेंक के मारते हैं, भागो यहां से। और मटका कहां जाके लगता है, नित्यानंद प्रभु के सर पे। और मटका लगा है सर पे, मिट्टी का है लेकिन बना हुआ है तो हार्ड है वो, और क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, अभी तक तो भागे थे, इस बार भागने का मौका नहीं दिया, उठा के फेंक के मारा और खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। हरिदास ठाकुर भी वहीं पे हैं, इतने भक्त लोग जाके फटाफट चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, क्या बताते हैं, कि ऐसे जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु पे वार किया है, उनका खून निकल रहा है। चैतन्य महाप्रभु भागे भागे आते हैं, स्पॉट पे पहुंचते हैं, और अब क्या होता है, चक्र चलाते हैं, सीधा सुदर्शन,
नित्यानंद प्रभु को किसी ने हर्ट किया, चैतन्य महाप्रभु देख नहीं सकते, उनके प्राण धन है नित्यानंद प्रभु, सीधा चक्र निकालते हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, मारो मारो मारो, ये जगह ही नहीं मारा है, नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, नहीं प्रभु नहीं, इन्हें मत मारिए, आपका ये जो अवतार है ये मारने के लिए नहीं हुआ, ये लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है, आपको मारना है तो उनके हृदय में जो कलमश है उस सबको मार दीजिए, उस सबको हटा दीजिए। और फिर बताते हैं कि जब जगाई मार रहा था, जगाई ने मारा तो और मारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जो उसका भाई है, भाई का नाम क्या है, मदाई, उसने रोका कि नहीं 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 मत मारो मत मारो मत मारो। तो ये मदाई जो है बहुत अच्छा है, चैतन्य महापुरुष ने अच्छा मदाई ने मारने से रोका, तो मदाई को तुरंत क्या कर देते हैं, कृष्ण प्रेम दे देते हैं। मदाई की हालत सोचिए, मदाई जो है उसने पी हुई थी, चढ़ाई हुई थी, जो चढ़ाया होता है कैसा नशीला होता है वो, उसको कृष्ण प्रेम मिल गया, लेकिन कृष्ण प्रेम के बाद जो स्थिति थी वो ऐसा लग रहा था कि उसने दो पैक और चढ़ा लिया, कृष्ण प्रेम में इतने पागल हो गए, इतने मत मस्त हो गए। बताते हैं संसार में दो ही पागल हैं, कौन दो प्रभु जी, तो जब वो पी के पागल थे और अब वो भगवान के नाम में भगवान की भक्ति में पागल हो चुके हैं, और अब जो पागल हुए हैं वो तो उतर जाता है, जो पी के चढ़ाते हैं उतर जाता है, ये उतरता नहीं है। जब अमेरिका में प्रभुपाद ने संस्था स्थापित करी थी तो एक बार फ्लायर में आया था स्टे हाई फॉर एवर, मतलब हमेशा चढ़ी रहेगी। तो जब वो देखते हैं, जगाई देखता है मदाई के साथ ये क्या हो गया, इतना कृष्ण प्रेम में मदमत हो गया, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। और ये देख के क्या होता है, क्या होता है, ये देख के क्या होता है, जो चित्रगुप्त है उसकी हालत बेकार हो जाती है। चित्रगुप्त पता है कौन है, यमराज का सर्वेंट, जो हमारे सारे जो कार्यकलाप हैं, जो हमारे अच्छे काम है बुरे काम को लिखता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। क्यों दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है कि इतने सारे इसके पाप कर रहे, इसने ये किया ये किया ये किया, हम दिन रात बैठ के लिखते थे, ओवर टाइम करना पड़ता था, और एक साथ ही जीरो हो गए, ये कैसे हो गया। तो यमराज जी के पास जाते हैं, वो देखते हैं, तो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद उनके सारे पापों को अपने आप ले लिया है, और उनका जो कांति है चैतन्य महाप्रभु की, उनकी कांति है गौर स्वरूप, गौरांगा, गोल्डन कम्प्लेक्शन, लेकिन क्योंकि उनके सारे पाप ले लेते हैं तो उनका कलर क्या हो जाता है, श्याम, काले कलर के हो जाते हैं। और उन्हें आदेश देते हैं किसको, जगाई और मधाई को, क्या करने के बाद, कृष्ण प्रेम दे दिया है, कृष्ण प्रेम में मदमत है, लेकिन एक आदेश देते हैं, और वो आदेश हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ रहे हैं, चीजों का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नो मोर सिन, नो मोर सिन, ठीक है, आपने जो पाप करे सो करे, जो आपने गलत कार्य करे सो करे, लेकिन अब आगे और नहीं, अब आगे और नहीं। अगर आप और कार्य नहीं करेंगे, ऐसे भगवान का नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की शिक्षाओं का पालन करेंगे, तो आप सीधा मेरे पास आएंगे। तो हमें भी, हम भक्ति में जुड़ जाते हैं, हम 16 माला का जप करें, 4 नियम का पालन करें, हमें दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए कि अब नहीं करेंगे, जो कर लिया कर लिया, जो हो गया हो गया, अज्ञानता में थे, समझ नहीं थी, हमने शास्त्रों के आदेशों को समझा नहीं था, पढ़ा नहीं था, लेकिन अब ज्ञान आ गया है, अब हमने समझ लिया है, और क्योंकि हमने अब समझ लिया है तो अब आगे से नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा, और उसके बाद क्या हुआ, सब भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया, और जब कीर्तन किया तो चैतन्य महाप्रभु का दोबारा जो वर्ण था
श्याम वर्ण से गौर सुंदर वर्ण में चेंज हो गया। और उसके बाद जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर वापस गए तो अद्वैत आचार्य मजाक उड़ा के उनका बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु तो पियक्कड़ ही हैं। क्यों पियक्कड़ है? कृष्ण प्रेम में कृष्ण के नाम को पी के मनमस्त रहते हैं, और उन्होंने अपने जैसे ही दो पियक्कड़ का चैतन्य महापुरुष से उद्धार करा दिया, अपने ही जैसा। वो प्रचार जो है अपने ही साथ वालों को कर रहे थे, ऐसे करके वो बोलते हैं। ठीक है, और पास्ट टाइम चैतन्य ये नित्यानंद प्रभु के कौन बताना चाहेगा? बहुत सारे पास्ट हैं, बहुत सारे पास्ट टाइम है। यस माता जी, पास्ट टाइम बहुत सिंपल सा है, रामायण आपको सबको बताइए। तो आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को गुड्डी गुड़िया देते हैं, टेलीविजन दिखाते हैं, स्कूल में कंपटीशन होता है तो उन्हें फिल्म एक्ट्रेस बनाते हैं या देश का कोई हीरो बनाते हैं, नेता बनाते हैं। लेकिन पहले नहीं होता था ऐसे, पहले जो भगवान की जो लीलाएं हैं उनको लोग घर पे करा करते थे। बच्चे जो हैं शाम को मिलके, कोई राम जी बन जाता था, कोई सीता मैया बन जाती थी, कोई हनुमान बन जाता था, कोई लक्ष्मण बन जाता था, और उन लीलाओं को आपस में करा करते थे, जिससे कृष्ण का बहुत ज्यादा, भगवान का बहुत ज्यादा स्मरण बढ़ता था, क्योंकि बचपन से ही वो ऐसे करते थे। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु एक बार रामायण पे कर रहे थे, तो उन्हें सारे जो अपने साथ के संगी हैं सारे बच्चों को बुला लिया, और क्या किया उन्होंने, डायरेक्ट किया। जैसे कोई प्ले का डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, नित्यानंद प्रभु डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी, और सब बच्चों को रोल दिया, सब बच्चों को डायलॉग्स दिए कि आप ये बनो ये बनो ये बनो, आपको ऐसे बोलना है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, समझाया पूरा रामायण का सीक्वेंस कि अब इसको यहां से आना है, यहां से जाना है, ये लेके आना है। और उसके बाद क्या हुआ, प्ले करना स्टार्ट किया, और खुद वो क्या बने थे, अपने आप को भी एक रोल लिया था, क्या बने थे, लक्ष्मण। तो रोल स्टार्ट हुआ, रावण आता है सीता को लेके जाता है, राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आगे चलते हैं, लंका क्रॉस करनी है, हनुमान जी गए वापिस आए, पुल बन गया, जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, और अब कौन आया, इंद्रजीत, इंद्रजीत ललकालता है, देखता हूं कौन है, मैंने इंद्र को जीत लिया है, तुम कौन हो? और नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रोल में उनको ललकाते, आओ देखते हैं तुम सारे पाप कर रहे हैं, पूर्ण रहते हो, और ललकारते हैं, और क्या होता है, लड़ाई होती है, बाण चलाए जा रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है इंद्रजीत एक बाण चलाते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे लक्ष्मण जी जो है घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो इंद्रजीत बाण चलाते हैं और नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं। प्ले के अंदर, ड्रामे के अंदर कोई मूर्छित होता है, मूर्छित होना है, पर ये ड्रामा विशेष हो गया। क्या हो गया, नित्यानंद प्रभु वास्तव में मूर्छित हो गए। अब नेक्स्ट सीन आना था, नित्यानंद प्रभु उठ नहीं रहे, अब सारे बच्चे सोचे उठ क्यों नहीं रहे, जाके देखते हैं, मूर्छित हैं, जगाएं, जग नहीं रहे, कुछ कर रहे हैं, होश नहीं आ रहा। अब होश नहीं आ रहा, बच्चे रोने लग गए नित्यानंद प्रभु को, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। राम जी रोने लगे, सीता मैया रोने लगे, रावण आके रोने लगा प्ले के अंदर, क्योंकि अब तो प्ले से बाहर आ गए, नित्यानंद प्रभु मूर्छित हैं। घर पे मैसेज आया, अरे नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए, पता नहीं, सांस भी नजर नहीं आ रही, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बच्चे हैं, छोटे खेल रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। उसके फिर बच्चों को याद आया कि हमारा प्ले ऐसा था कि नित्यानंद प्रभु मूर्छित होंगे और उसके बाद हनुमान जाएंगे, संजीवनी मूटी लेके आएंगे, उनका पेस्ट बना के उनको लगाया जाएगा तो वो जायज हो जाएंगे। तो हनुमान को बोलते हैं,
जो रो रहे होते हैं, हनुमान जाओ जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ, हनुमान जाते हैं। अब ये ड्रामा, वो जो हनुमान है वो जा रहे हैं, संजीवनी बूटी लेके आते हैं, संजीवनी बूटी आते हैं उनको लगाते हैं, और नित्यानंद प्रभु होश में आ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु की, निताय गौर संध्या की। तो नित्यानंद प्रभु होश में आ जाते हैं। वो इतने वो नाटक भी करते तो एकदम रोल के अंदर उतर जाते थे, और वास्तव में मूर्छित थे, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मण है, स्वयं राम जी के छोटे भाई हैं। तो जब ऐसा हुआ तो उनको वही याद आ गया, और वही वो दर्द फील कर रहे थे और मूर्छित थे। ठीक है, और पास टाइम नित्यानंद प्रभु के, बहुत सारे पास टाइम है नित्यानंद प्रभु के। ठीक है, तो जी आप ही बताइए। तो जी नित्यानंद प्रभु के बचपन का पास टाइम बता रहे हैं कि कैसे हम देखते हैं पुराने टाइम में, और अभी भी अगर आप जाएंगे गांव में तो लोग अपने घर संतों को बुलाते हैं। तो ऐसी एक बार सन्यासी आए, तो जो उनके माता पिता थे उन्होंने उन्हें बुलाया, और बुलाने के बाद आदर सत्कार किया, उन्हें प्रसाद दिया, उन्हें रुकाया। और जनरली होता है कि जाने जाते वक्त हम कुछ दक्षिणा भी देते हैं। तो जो सन्यासी थे उन्होंने कुछ मांग लिया, और क्या मांगा, क्या मांगा, आपका जो बेटा है ये मुझे दे दो, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जगह जगह, ये मुझे मदद करेंगे मेरे साथ, तो उनको मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। बेटा ही मांग लिया। और जब इनके माता पिता ने सुना, इकलौता बेटा और इतना सुंदर, इतना होनहार बेटा, दिल पे बहुत लगी, क्योंकि लेकिन सन्यासी थे, उन्होंने कहा था तो उन्होंने दे दिया। वैसे सिर्फ यही नहीं, ऐसा बहुत उदाहरण है जहाँ पे जैसे हम देखते हैं राम जी को भी लेके गए थे। कौन लेके गए थे? विश्वामित्र मुनि, दशरथ महाराज। दशरथ महाराज बहुत कुंठित थे कि लेके जा रहे हैं, लेकिन लेके गए थे। तो ये हमारा कल्चर है कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए। जो भी घर पे साधु आए, अतिथि आए, या घर पे नहीं आए आपको मिले, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अभी 7-8 मिनट बचे हैं, मैं कुछ पास्ट टाइम छोड़े ब्रीफ में बताऊंगा कि ये पास्ट टाइम भी करें आपको याद आ जाएंगे। ताकि आपने पानी हाटी फेस्टिवल के बारे में सुना होगा, दही चिड़ा फेस्टिवल, कि जिसके अंदर कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु चोर बुलाते हैं, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो, तुमने चोरी करी है। किस चीज की चोरी करी है? चैतन्य महाप्रभु की। आप चैतन्य महाप्रभु को मुझसे छीनना चाहते हो तो आपको इसका दंड मिलेगा। और क्या दंड देते हैं? आप जो भी सारे हैं, सारे वैष्णवों को दही चिड़ा खिलाइए, दूध चिड़ा खिलाइए। मैंने वो दंड स्वीकार किया और फिर सबको दही चिड़ा, दूध चिड़ा खिलाया। और उनके पास टाइम बहुत सारे हैं। एक बार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया था। शिवास आंगन के अंदर बहुत सारे पास टाइम है। पास्टर तो मैंने बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है, लेकिन मैं कुछ और भी चर्चा करना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था। आप सबने दर्शन किए भगवान के? अच्छे से दर्शन करें, तो जी दर्शन करें सबने, अच्छे से किए? माताओं ने सबने दर्शन किए अच्छे से? ठीक है,
अब मैं कुछ कुछ पूछूंगा, अगर आपने दर्शन अच्छे से किए हैं तो आप बता पाएंगे, ठीक है? पूछूंगा क्वेश्चन, स्टार्ट करें कृष्ण बलराम से, और जिसने सबसे ज्यादा आंसर दिए उनके लिए गिफ्ट भी है, जिससे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है? और जो दर्शन कर रहे हैं वो भी भगवान को देख के उत्तर दे सकते हैं। तो कृष्ण बलराम से स्टार्ट करते हैं, कृष्ण बलराम के चरणों से स्टार्ट करते हैं। चरणों में कौन बताना चाहेगा सबसे पहले क्या है? और कृष्ण बलराम में भी कृष्ण से स्टार्ट करते हैं, चरणों में क्या है? पजेब, कितनी पजेब पहनी है? देख, एक रहे पहले, दो है, समझ नहीं आया। एक पहने, दो पहने, हाथ खड़ा कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने पहने? एक पतली पजेब है और एक मोटी पजेब। और आप देखेंगे भगवान के चरणों पे चंदन और तुलसी लगी हुई है, ठीक है? उसके ऊपर चलते हैं, भगवान की धोती, भगवान की जो चुन्नी है उसके अंदर मेन कलर कौन से हैं? ठीक है, मैं बता देता हूं, वो अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा, वो बहुत ज्यादा डार्क ग्रे है और उसपे सिल्वर कलर के काम हुआ पड़ा है जो काफी ज्यादा शाइन कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अगर हम धोती को देखें तो कृष्ण की जो धोती है नीचे की तरफ से किस तरफ लहरा रही है? किस तरफ, राइट या लेफ्ट? दोनों ने दर्शन करें, एक कह रहे हैं राइट, एक कह रहे हैं लेफ्ट। नीचे से धोती राइट, जो आप लेफ्ट बोल रहे हो वो कुछ और चीज है। अगर आप नीचे से देखेंगे तो नीचे से पैर के साइड से निकाल के राइट में बलराम जी की तरफ जा रही है, और आप बलराम जी का देखेंगे तो कृष्ण की तरफ आ रही है, और दोनों जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ है, और उसके नीचे छोटा सा मोर रखा हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं रखा हुआ है? अभी भी जो दर्शन कर रहे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है? और ऊपर चलते हैं, भगवान ने कमर पे एक कपड़ा बांधा हुआ है, वो कौन से कलर का है? ऑरेंज कलर का। वो जो ऑरेंज कलर का कपड़ा है, बांधने के बाद जो बाकी जो हिस्सा बचता है उसको रोल कर करके कुछ करा हुआ है, क्या किया हुआ है? कौन से घुटने पे? लेफ्ट राइट? राइट, राइट घुटने से नीचे जा रहा है वो, और उस पे जो जा रहा है उस पे दो चीजें लगी हैं। आप चाहो तो दर्शन खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो बटन नहीं है, उसे ब्रोच बोलते हैं, दो ब्रोचेस हैं अलग अलग कलर के। उन ब्रोचेस के कलर क्या हैं? एक रेड है और एक पर्पलिश है, राइट। ऊपर चलते हैं, जहां वो कपड़ा बंधा हुआ है कमर पे वहां पे कुछ और भी है, हाँ, तगड़ी। कैसी है, गोल्ड है ना सिल्वर है? देखो दो जवाब क्यों आ रहे हैं, मैं एक ही के बारे में पूछ रहा हूं, अभी भी सामने है, गोल्डन है, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, भगवान ने जो ऊपर कुर्ता पहना है वो कौन से कलर का है, क्या है कुर्ते में? सिल्वर, और बहुत ज्यादा स्पार्क कर रहा है वो। भगवान ने जो गले में, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे उत्तर आएंगे तो ध्यान से जवाब दीजिएगा। चाहे आप फूलों की माला ले लीजिए, चाहे मोती की माला ले लीजिए, चाहे गले के नेकलेस ले लीजिए, टोटल कितने गले में चीजें ऐसी पहनी है, टोटल कितने हैं वो डिस्कस करेंगे, कौन सी माला क्या कलर है, टोटल कितना पहना है? फूलों मोतियां देख लो, कोई दिक्कत नहीं, फूलों मोतियां गले के नेकलेस सब कुछ मिला लो, चार छह और बताओ, पांच या छह और बताओ, पांच है और बताओ, और कोई पांच के अलावा? पांच है, चलो पांच स्टार्ट करते हैं। पांच में से फूलों की कितनी है? सबसे लंबी जो फूलों की जा रही है, फूलों के ऊपर दो मोतियों की जा रही है, उनका कलर क्या है? दो कलर है, ऑरेंज एंड, ऑरेंज एंड पर्पल, डार्क ब्लूइश कलर, ओके।
भगवान ने गले में दो नेकलेस पहने हैं, एक गोल्डन जो गले के साथ है, यस कलर है उसके व्हाइट और रेड। और डिटेल में जाते हैं, व्हाइट रेड की जो गले में पहनी हुई है उसकी कितनी लड़ियां हैं। आपको ऐसे दर्शन करना चाहिए भगवान का। तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कि ये तरीका है भगवान का दर्शन करने के लिए। पांच मैं और डिटेल में इसलिए बता सकता हूं क्योंकि पहले फैलाया है। तो पांच लड़ी की वो माला है, ठीक है। कृष्ण ने हाथ में कड़े पहने हुए हैं। आप इससे ये भी देख सकते हैं भगवान ने सब कुछ अलंकार पहनते हैं, तो कड़े जो पहने हैं कौन से कलर के हैं, उस पर काम कौन से कलर का हुआ है, रेड कलर का कड़ा है, उस पर काम जो है गोल्डन का हुआ पड़ा। भगवान ने फ्लूट पकड़ी हुई है, यही कलर का कॉम्बिनेशन है। भगवान ने अंगूठियां पहनी हुई है। अभी मैं नीचे से ही दर्शन कर रहा हूं तो हाथ दिख रहे हैं अभी। कितनी अंगूठियां पहनी है, रेड और, ठीक है। अभी कृष्ण की दो पहनी हुई है और रेड और ब्लू है, ठीक है। अब चलते हैं चुन्नी, चुन्नी नहीं उतरी, उतरी भगवान की ये उतरी है। उतरी आप समझ पा रहे हैं ना, इसे कंधे पे जो डालते हैं उतरी की तरह। तो भगवान ने उतरी ली हुई है, तो कैसे उतरी ली हुई है, कौन सा कलर है उतरी के अंदर, उतरी के अंदर कौन सा कलर है, मैं उत्तरी की बात कर रहा हूं, यानी कि आप उत्तरी समझ नहीं पाए। उत्तरी समझ लिया जैसे चुन्नी की जैसी है वो, नहीं शॉल नहीं है, उत्तरी होती है, हाँ ग्रे और सिल्वर, ग्रे और सिल्वर का जिस कलर की मेन ड्रेस है उसी वैसे ही उत्तरी होती है। तो वो है कैसे कलर है, वही जो उसका है कि डार्क ग्रेइश कलर और उस पर सिल्वर का काम है। अच्छा अगर आप उस उत्तरी को देखें या भगवान की धोती को देखेंगे तो उसका बॉर्डर कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है, ठीक है 2 इंच के बराबर, इतना चौड़ा बॉर्डर है, ठीक है। अच्छा ये जो उत्तरी है वो किस स्टाइल में पहनाई हुई है, किधर है, वो लेफ्ट हैंड में बांध के लहरा रखी है। कभी आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में होती है और राइट से शोल्डर से भी आ रही होती है, तो आपको देखना चाहिए कैसे भगवान ने वो उतरी पहनी हुई है। अब इसके अंदर कुछ फूल लगाए हुए हैं, कौन से कलर के फूल लगाए हैं, येलो और, अब और डिटेल में बताना चाहें तो आप ये ही बता सकते हैं कौन सा फूल है, मेरी गोल्ड नहीं है वो, गेंदा है, गेंदा मेरी गोल्ड है। और दूसरा पिंक कौन सा, इट्स अ ऑर्चिड। जय श्री श्री राधा राधिका रमण जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताय की, चतुशील प्रभुपाद की, दया गौर प्रेमानंद। और सोचिए अभी तक हम भगवान के मुखारविंद तक तो पहुंचे ही नहीं है, मुखारविंद को भी कवर करते हैं। भगवान के पगड़ी में कितने कपड़े हैं, 3-4, कितने हैं, 3 या 4, 3 तरह के कपड़े कपड़े हैं, कौन कौन सा कलर है, जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कृपया बैठ जाइए ताकि मैं आराम से सुन पाऊं। डार्क ब्लू, सिल्वर, ऑरेंज, ये 3 तरह के कपड़े हैं, यस ऑरेंज कलर का कपड़ा भी है, 3 तरह के शेड है, शेड नहीं है 3 अलग अलग कपड़े हैं जिसको बांधा हुआ, जिसकी लेयर्स बनाई हुई है। अगर आप और देखोगे भगवान ने कलकियां लगाई हुई हैं, उसके अलग अलग कलर है, ऑरेंज भी है, पिंक भी है, ब्लू भी है, और सेंटर में क्या लगा रखा है भगवान ने, सेंटर में उस, वो तो और ऊपर हो गया, बीच में मोरपंख, मोरपंख की 3 पंखड़ियां, उसके ऊपर
उसके ऊपर और क्या है? ऑरेंज कलर का फेदर्स और एक व्हाइट कलर का भी शायद फेदर है. और आप देखेंगे यहां पे दो लटकन लगा रखी हैं, दोनों ऑरेंज कलर की. यस, बलराम जी ने कौन से कलर की लगा रखी है? ब्लू कलर की है वो, दोनों ब्लू कलर की हैं. ठीक है. और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं. बता सकते हैं कौन कौन से फूल लगे हुए हैं? मैरीगोल्ड और व्हाइट डेजी और ऑर्चिड. कौन से कलर का? ब्लू पिंक. और कौन से लगे हुए हैं? पिंक पर्पल एक ही शेड के आते हैं. और कौन से कलर के हैं? और अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क है. भगवान ने जो माला पहनी है उसके कितने तरह के फूल हैं और कितने कलर्स हैं उसके अंदर, बता सकते हैं कौन कौन से? जो भगवान ने माला पहनी है, ब्लू, रेड, व्हाइट, येलो, ग्रीन, रेड, पिंक हो गया. तुमने इस कलर की माला पहनी है. और आप ये भी याद कर सकते हैं भगवान की माला किस तरफ जा रही है. किस तरफ जा रही है? बलराम जी की माला लेफ्ट की, नहीं कृष्ण की माला लेफ्ट की तरफ, और बलराम जी की राइट की तरफ. जब ऐसे भगवान का दर्शन करेंगे, सिर्फ कृष्ण का दर्शन करेंगे, तो आपको बहुत समय लगेगा. वो वास्तव में दर्शन है. उसके जब बलराम पे जाएंगे तो याद एक कॉन्ट्रास्ट भी याद कर सकते हैं. कृष्ण ने ऐसा पहना है तो बलराम जी ने ऐसा पहना है. कृष्ण का लेफ्ट साइड जा रही है, बलराम जी का राइट साइड जा रही है. तो बहुत अच्छी चेतना से याद कर पाएंगे. कहते हैं दर्शन ऐसा होना चाहिए. मैंने पीछे भी क्लास में बताया था कि जब आप टेंपल हॉल से भगवान का दर्शन करने बाहर जाएं तो आपके चित्त पे पूरा का पूरा जो भगवान के दर्शन छप जाने चाहिए. आपको याद होना चाहिए भगवान ने क्या पहना है, कैसे पहना है. तो एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज थी जिसको हम रोज अपने जीवन में कर सकते हैं. हम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं. बहुत बार हम जस्ट दो मिनट के लिए देखते हैं, खड़े रहते हैं, उसके बाद बस चले जाते हैं. मंदिर में आ रहे, दर्शन करने आ रहे, तो अच्छे से दर्शन कीजिए. पूरा याद करके जाइए वहां ने क्या पहना है. ठीक है. अगर टाइम होता तो मैं बलराम जी का भी करता, राधा राधिका रमन का भी करने के लिए तैयार था मैं, और फिर मैं गौनिताय का भी लेके आया था. ठीक है. जय जय श्री प्रभुपाद की.